गूगल में जाके गूगल वेब स्टोर लिखेंगे, गूगल वेब स्टोर सर्च करवाने के बाद हमारे पास गूगल वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन सर्च करवाएंगे यूट्यूब प्रोटेक्ट, फ्लोटिंग सर्च करवाने के बाद सबसे पहले जो एक्सटेंशन आएगी फ्लोटिंग प्लेयर, इसको इंस्टॉल करेंगे हम गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्रोम में ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। हम जस्ट यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, ये डाउनलोड होगी और डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम में ये ऐड हो जाएगी। इंस्टॉलेशन हो रही है, इंस्टॉलेशन होने के बाद ये गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगी। तो ये टॉप पे हमारे पास इसका आइकन बन के आ जाएगा, ये इंस्टॉल हो चुकी है, ये आइकन बन के आ गया। चूँकि हमारे पास पहले से एक्सटेंशन इंस्टॉल है इसलिए सामने शो नहीं हो रहा। ये मैं YouTube से कोई वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने वीडियो सिलेक्ट की। उसके बाद हम YouTube फ्लोटिंग का जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है उसका जो आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे, ये साइड बार है। वीडियो प्ले होने के बाद इस आइकॉन पे एक्सटेंशन के आइकॉन पे क्लिक करके फ्लोटिंग प्लेयर पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये ऑलवेज टॉप पे हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखिए मेन स्क्रीन पे शो हो गई है, ये फ्लोटिंग का आइकॉन भी आ गया है। अब इसको हम इजीली रीसाइज भी कर सकते हैं, मर्जी से स्क्रीन हम रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो हमारी ये जो यूट्यूब की स्क्रीन है वो ऑलवेज टॉप पे रहेगी। मैं पिक्चर ओपन करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन हमारी टॉप पे है।